हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है सेकंड चैप्टर की लास्ट क्लास है, लास्ट टॉपिक, और ये टॉपिक है वेन डायग्राफ जनरेटर। वेन डायग्राफ जनरेटर जो है, दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज टू चार्ज एनी स्फेरिकल कंडक्टर टू वेरी लार्ज वैल्यूज। अगर किसी कंडक्टर को आपको चार्ज करना है टू वेरी लार्ज पोटेंशियल्स, तो अभी हम लोग इसका इस वेन डायग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे रहेंगे जिनमें आपको चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा वेलोसिटीज देने की जरूरत पड़ेगी या बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग पोटेंशियल ज्यादा चाहिए पड़ेंगे। क्यों? एनर्जी गिवन टू एनी चार्ज विल डिपेंड ऑन पोटेंशियल। तो किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आपको एनर्जी देनी है तो आप उसको बहुत ज्यादा पोटेंशियल दे दें। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल तक किसी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए, ये जो अभी हम लोगों ने बोला कि चार्ज पार्टिकल्स बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले, उसके लिए आपको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो क्यू इंटू वी रहती है। अब ये क्यू तो रहेगा, चार्ज पार्टिकल तो रहेगा, अब आपको किसकी जरूरत है? वी की। बहुत बड़े वी की जरूरत है। तो बहुत बड़ा वी कहां से मिलेगा? इस वेन डायग्राफ जनरेटर से मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है पुराने भी यूज होंगे, तो वो अभी हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। प्रिंसिपल में वो चीज यूज होंगी, दो चीजें यूज होने वाली हैं। एक तो ये डिस्चार्जिंग प्रिंसिपल में, तो पहले तो अभी हमने यूज बता दिया कि भाई ये किस चीज के काम आता है ना। फिर अभी हम लोग इसका प्रिंसिपल में डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड्स, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, एक तो ये यूज हुआ। इसका मतलब क्या है? किसी चार्ज कंडक्टर में अगर कोई पॉइंटेड एंड है तो पॉइंटेड एंड विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, वहां से चार्ज लीक होगा। ये भी हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर दूसरी चीज, अगर कोई दो कॉन्सेंट्रिक चार्ज कंडक्टर्स हैं, फॉर टू कॉन्सेंट्रिक चार्ज कंडक्टर्स कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर है और दोनों चार्ज हैं, पोटेंशियल ऑफ द इनर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द आउटर। पोटेंशियल अंदर वाले का जो है हमेशा ज्यादा रहता है बाहर वाले से। ठीक है, इसको अभी हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में ले चुके हैं, बट सिंस दिस हैज बीन गिवन इन द प्रिंसिपल पार्ट इन द बुक, वील बी डूइंग इट वंस अगेन। तो दो चीजें अभी हमने बोली, ये किस चीज पर बेस्ड है? डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, कि किसी चार्ज कंडक्टर में पॉइंटेड एंड अगर है तो दैट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज। इसको कंपेयर किया था अभी हम लोगों ने, किससे कंपेयर किया था? अगर किसी पानी के टैंक में होल कर दें, होल का क्या काम रहेगा? टू लीक आउट द एंटायर वाटर ऑफ द टैंक फ्रॉम द टैंक, पूरा पानी जो है टैंक में से लीक आउट हो जाएगा होल के थ्रू। वही काम रहेगा होल का, जो काम रहेगा टैंक में वही काम किसी कंडक्टर में किसी पॉइंटेड एंड का है। तो अगर कोई कंडक्टर ले लिया, चार्ज कंडक्टर है, इसमें अगर आपने एक नीडल लगा दी, पॉइंटेड एंड लगा दी, तो इससे पूरा चार्ज लीक हो जाएगा। फिर दूसरी चीज अभी हमने क्या बताई कि दो कॉन्सेंट्रिक चार्ज कंडक्टर्स हैं, दोनों चार्ज हैं, तो पोटेंशियल ऑफ द इनर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ आउटर। और अगर आप कोई दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, वो ध्यान से सुनना और अप्लाई भी करना। कोई भी दो कंडक्टर्स को, चार्ज कंडक्टर्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हायर किसका है अभी हम लोगों ने बताया, अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है बाहर वाले का कम है। तो अगर आपने इन दोनों कनेक्ट कर दिया तो अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। तो चार्जेस का फ्लो कैसे, अभी हमने एक्सप्लेन किया था पिछली क्लासेस में, बताया कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो इससे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपको दो टैंक्स हैं, दोनों टैंक्स में कुछ कुछ लेवल है, इसका कुछ लेवल है और इसका भी कुछ लेवल है, दोनों को कनेक्ट किया तो पानी का फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल होगा। पानी को कंपेयर करते हैं किससे, चार्ज से। लेवल को कंपेयर करते हैं किससे, पोटेंशियल से। साइज ऑफ द टैंक को कैपेसिटेंस से, वो इसका यूज नहीं होना तो अभी हम लोग लेंगे। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब ये चीजें यूज होंगी। अब इसमें इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं भाई, अभी हमने ये कहा था कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज करना है तो भाई चार्ज करते जाओ, इसमें कोई समस्या थोड़ी। आपने कोई चार्ज रखा पॉजिटिव चार्ज, इसमें और चार्ज दे दो और बढ़ जाएगा, और चार्ज दे दो और बढ़ जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा सोचकर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑल सब्सिक्वेंट चार्जेस विच आर टू बी प्लेस, सपोज यू आर प्लेसिंग वन कूलम चार्ज एट अ टाइम, एक कूलम एक एक कूलम करके आप चार्ज रख रहे हैं, या जो भी आप यूनिट सिलेक्ट कर लें, सिर्फ समझने की बात है, आप जो भी चार्ज आप रख रहे हो तो हर अगला वन कूलम चार्ज रखने में आपको पहले से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी थ्री कूलम्स है तो वन कूलम लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, अब इसके पास फोर कूलम हो जाएगा, तो अगला वन कूलम जो आप लाओगे वो वन कूलम को इसके ऊपर प्लेस करने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से जो फोर कूलम रखा हुआ है वो वन कूलम को आने नहीं देगा, रिबेल करेगा। तो आप कैसे तो भी वर्क करके आपने फाइव कूलम चार्ज किया, अब अगला वन कूलम रखोगे तो क्या होगा, अगला वन कूलम लाने में और इसके ऊपर प्लेस करने में और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो वी से दैट लॉट ऑफ वर्क विल बी डन एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन इन प्लेसिंग इन एवरी वन कूलम चार्ज, फॉर एवरी वन कूलम चार्ज विच इज टू बी प्लेस सब्सिक्वेंटली मोर अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन, पहले से ज्यादा काम करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा वर्क या पहले से ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। तो अब हमें अगर डायरेक्टली चार्ज करना तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो अब हम लोगों ने कुछ कुछ ट्रिक्स बता दी, कुछ अभी हम लोग सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम डेवलप करने में दो चीजें अभी हमने बता दी कि भैया एक तो डिस्चार्जिंग एक्शन यूज होगा, अब कैसे यूज होगा ये अभी हम आपको बताएंगे, है ना। तो अब इसमें देखो, फॉर एनी टू कॉन्सेंट्रिक चार्ज कंडक्टर्स पोटेंशियल ऑफ द इनर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ आउटर, ये प्रिंसिपल में आएगा और हम लोगों ने न्यूमेरिकल के फॉर्म में किया हुआ है, लेकिन ये प्रिंसिपल में देना है इसलिए अभी हम आपको इसको प्रूफ करके भी बता दे रहे हैं। सपोज यू आर हैविंग अ स्फेरिकल कंडक्टर हुज रेडियस इज ए, और दूसरा एक और कंडक्टर है इसकी रेडियस बी है, अंदर वाले के ऊपर चार्ज क्यू है, बाहर वाले के ऊपर कैपिटल क्यू है ना। तो अब इसमें अगर आप देखें तो इसको अभी हम लोग ए पॉइंट बोल रहे हैं और इसको बी पॉइंट, हम लोग पोटेंशियल एट द पॉइंट ए निकालेंगे, कैसे, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इनर प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू आउटर। पोटेंशियल ए पॉइंट का अगर आपको बताना है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको बताने के लिए आपको पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इनर चाहिए पड़ेगा प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू आउटर। फिर इसके बाद अभी आप क्या करोगे, पोटेंशियल एट बी निकालेंगे, वो भी अभी हम लोग करेंगे। तो ए पॉइंट पर इनर के कारण अगर निकालना है तो आप इमेजिन करो, ए पॉइंट बना लिया, देखो हमारे पास ये ऑप्शन है भैया, जिसकी जरूरत है वो रख लिया, कौन सा ए पॉइंट की जरूरत है और इनर स्फीयर की जरूरत है, तो देखो आउटर स्फीयर भी हटा दिया। अब ए पॉइंट पर इसके कारण क्या मिलेगा बेटा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए, दिस इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द सर्फेस, ये पॉइंट इस सर्फेस के ऊपर लाई कर रहा है, तो सर्फेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए। फिर ए पॉइंट पर चाहिए आउटर के कारण, तो ए पॉइंट बना रहने दो और आउटर स्फीयर बना लो, भाई आउटर स्फीयर बना लिया,
अब इनर स्फीयर अभी हम लोग इसलिए हटा देते हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये लो। सिर्फ अभी हमने क्या किया, ए पॉइंट बना रहने दिया और आउटर स्फीयर बना रहने दिया। अब ए पॉइंट जो है इस आउटर स्फीयर के अंदर है, ए पॉइंट आउटर स्फीयर के अंदर है, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं। अब अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल अगर निकालना है तो अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए आप पोटेंशियल ऑन दी सरफेस निकाल लो। अब सरफेस पर निकालना तो सरफेस पर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन सरफेस पर चार्ज क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, सरफेस पर डिस्टेंस कितना है बी है। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया है ना, अब ऐसे ही अभी हम लोग बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे। क्यों निकाल रहे भैया, क्योंकि अभी हम लोग ये प्रूव करना है कि अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले से ज्यादा है, ये प्रूव करना, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो वी ए तो निकाल लिया, अब वी बी निकालना है। वी बी अगर निकालना है तो बी पॉइंट पर इनर के कारण प्लस बी पॉइंट पर आउटर के कारण निकाल लें, बी पॉइंट पर इनर के कारण। अब एक काम करते हैं, जो डायग्राम बना हुआ है वो इसमें यूज हो जाएगा, देखो जरा आप बात को अच्छे से समझना, बी पॉइंट पर आउटर के कारण, बी पॉइंट पर आउटर के कारण ये यूज हो जाएगा। अभी हमें डायग्राम नया नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, बी पॉइंट बना हुआ है और आउटर स्फीयर बना हुआ है, तो बी पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो पिछली क्लासेस में अभी हमने डिस्कस किया है कि सरफेस का पोटेंशियल और अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है। तो ये मत सोचना कि ये वही चीज लिख दी, अंदर में पोटेंशियल निकाला था ए पॉइंट का तो भी उतना ही लिखा था, और बी पॉइंट पर निकालेंगे तो भी उतना ही लिखेंगे, कितना लिखेंगे, बी पॉइंट जो है सरफेस पर है और क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो बी, ऐसा कुछ लिखिए। अब बी पॉइंट पर इनर के कारण, अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट बना रहने देंगे और इनर वाला स्फीयर, ये इनर स्फीयर बना लिया और ये अभी हम लोगों ने बी पॉइंट बना लिया और इनर स्फीयर बना लिया, एक अब इसमें देखो बेटा आगे बी पॉइंट पर अंदर वाले के कारण, तो अंदर वाले के ऊपर चार्ज कितना बेटा, अंदर वाले के ऊपर चार्ज q है और बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये आ गया। तो अगर आपको किसी चार्ज स्फीयर के, ये देखना फॉलो करना, ये किसी चार्ज के कारण बाहर में अगर पोटेंशियल बताना है तो सिंपल फॉर्मूला क्यू वन फोर बाय एप्सिलॉन जीरो आर, ये चार्ज इसका q है और ये डिस्टेंस कितना है b है, ठीक है, इस चार्ज कंडक्टर के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो b है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, दोनों पॉइंट्स पर, a पॉइंट पर अंदर वाले पॉइंट पर और बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला काम वी ए माइनस वी बी निकाल लें। अब ये यहां पर लिख दे रहे क्योंकि ये तो आपको मालूम है, वी ए माइनस वी बी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू, ये कितना आएगा, दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए प्लस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो बी, ऐसा कुछ आएगा, माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, यहां पर बी है और ये माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो और ये भी बी है। तो अब इसमें देखिए क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो बी कैंसिल होगा, तो यहां पर क्या बचेगा,
यहां पर ये बचेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां पर क्या आया 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। तो अगर अब आप इसको देखो तो va माइनस vb जो आया है va माइनस vb ये बाहर वाले के चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। va माइनस vb दिस इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 b माइनस ए अपॉन ए बी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें क्या पता चला कि वट एवर बी दी अमाउंट ऑफ चार्ज, अब हम इसको सबको रब कर ले रहे हैं, वट एवर बी दी अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दी आउटर स्फीयर, इधर प्लस क्यू है इधर पर स्मॉल क्यू है, ये ए है ये बी है, वट एवर बी दी अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दी आउटर स्फीयर कुछ भी हो, इसका पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। अगर ये क्यू पॉजिटिव है, अगर अंदर वाले के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो बाकी सारी चीजें तो पॉजिटिव आएंगी। सो इफ द इनर कंडक्टर इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज देन वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आएगा, मतलब वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी। अब सोचकर देखो ये बड़ा अच्छा फैक्ट है भाई, अगर इसके ऊपर 1000 कूलम है और इसके ऊपर सिर्फ 0.1 कूलम है, बाहर वाले के ऊपर 1000 ले लो 1 लाख ले लो या जो भी लेना जितना बड़ा नंबर लेना, अंदर वाले के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा 0.1 है, तो अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले से ज्यादा रहेगा। और ये वैसे तो सुनने में बड़ा स्ट्रेंज लगता है लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे पोटेंशियल का तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट पर बताना है तो आपको 1 कूलम चार्ज लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहां पर पोटेंशियल बताना है तो आपको इन्फिनिटी से यहां तक 1 कूलम चार्ज लाना पड़ेगा। अगर यहां पर पोटेंशियल बताना है तो इन्फिनिटी से यहां तक 1 कूलम चार्ज को लाना पड़ेगा और वर्क निकालना पड़ेगा। इन्फिनिटी से यहां तक 1 कूलम चार्ज को लाएं और इन्फिनिटी से इधर तक 1 कूलम चार्ज को लाएं और इन्फिनिटी से इधर तक 1 कूलम चार्ज को लाएं और वर्क कैलकुलेट करें तो यहां पर वर्क थोड़ा कम आएगा, यहां तक 1 कूलम चार्ज को लाने में ज्यादा वर्क आएगा, यहां तक 1 कूलम को लाने में थोड़ा और ज्यादा वर्क आएगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज जो है बार वाला रिपेल करेगा। अब बी तक तो ले आए, अब अंदर ले जाओ, अब यहां तक लाने में सपोज W वर्क किया, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज आप ले आए बी तक, 1 कूलम वर्क किया, 1 कूलम चार्ज लेकर आए W वर्क आया, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज आप बी तक लाए, 1 कूलम चार्ज को लाने में W वर्क है, और अगर आप इसको और अंदर ले गए तो W से थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाला चार्ज भी रिपेल करेगा। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको ए पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लाने में। तो वर्क के टर्म्स में ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, इतने सब कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते। और इसमें फाइनली अभी हम लोगों को ये बात पता चल गई क्या कि पोटेंशियल ऑफ द इनर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द आउटर। ठीक है, आप कितना भी बड़ा चार्ज आप रख दें अंदर सॉरी बाहर और कितना भी छोटा अंदर रखें, अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा रहेगा। अब इसमें ये फैक्ट भी पता चल गया। अब फिर इसके बाद डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड्स भी बता चुके हैं। डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड्स में अभी हम लोगों ने ये भी थोड़ा सा रिवाइज करा दें। हम लोगों ने ये इसमें ये पढ़ा था कि अगर आप किसी इनरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट को अगर आप चार्ज दोगे तो चार्ज इसके पूरे सरफेस पर आ जाएगा, और चार्ज इसके सरफेस पर कैसा आएगा इस लॉ को फॉलो करते हुए कि भैया जहां पर रेडियस कम रहेगा वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर आप इसको देखो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ए की कम रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां का रेडियस ज्यादा है, यहां का रेडियस कम है, और जहां का रेडियस कम है वहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बी की ज्यादा होगी, ए की कम होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है, मतलब जहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो अब अगर कोई पॉइंटेड एंड है तो पॉइंटेड इसको अगर आप देखो तो ये छोटे स्फीयर का हिस्सा है, ये बड़े स्फीयर का हिस्सा है, तो यहां पर रेडियस ज्यादा है, यहां पर रेडियस कम है, रेडियस जहां पर कम है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है तो क्या होगा, इसके आसपास की पॉइंटेड एंड में रेडियस बहुत कम होगी, रेडियस बहुत कम मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा का मतलब क्या है, आसपास की एयर आयनाइज हो जाएगी, एयर आयनाइज हो जाएगी मतलब क्या होगा बेटा, आसपास की एयर से इलेक्ट्रॉन्स पुल होकर इधर आ जाएंगे, अगर आसपास की एयर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, इधर का पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो बाकी पूरे कंडक्टर में से चार्ज यहां की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि इसको ये रूल फॉलो करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है कि जहां पर रेडियस कम है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन यहां का चार्ज तो बाहर निकल चुका, क्यों निकल चुका, क्योंकि यहां की रेडियस, हम पूरा रिपीट करें, यहां की रेडियस बहुत कम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मतलब यहां के आसपास की एयर आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगी, और यही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके कारण यहां पर कुछ ग्लो आएगा, जिसको अभी हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर टॉपिक्स आल्सो। तो अब हम लोगों को ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, हमने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि अगर कोई सिर्फ वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ रहा है तो उसको सारी चीजें मालूम होना चाहिए, है ना, मान लीजिए पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो भी अभी हमने सारी चीजें क्लियर हैं, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड्स क्या होता है, तो पॉइंटेड एंड्स के थ्रू चार्जेस धीरे धीरे करके लीक होते जाएंगे, यहां से चार्ज लीक होगा, एयर आयनाइज होगी और बाकी पूरे कंडक्टर से चार्ज फिर से यहां पर आ जाएगा, जैसे पानी निकलता है बिल्कुल वैसे ही पूरे कंडक्टर में से चार्जेस हमेशा यहां की तरफ आते रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा चाहिए। तो अब ये दो फैक्ट्स हैं प्रिंसिपल में जो यूज होंगे, ठीक है, अब ये प्रिंसिपल समझाने में ही समय लगा, बाकी का जो पार्ट है वो बहुत छोटा सा है। तो अब हम लोगों को तरीका पता चल गया, तरीका क्या है कि भाई अगर आप किसी तरीके से सपोज आपको ये वो कंडक्टर है जिसको आपको चार्ज देना है, जिसको चार्ज करना है टू वेरी लार्ज पोटेंशियल्स, तो अब आपने इसको क्या किया, यू आर प्लेसिंग दिस ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड, आपने इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्यों, क्योंकि चार्ज जो है अर्थ में ट्रांसफर नहीं हो, ऐसा कुछ, फिर अंदर एक और कंडक्टर ले लिया, स्फेरिकल कंडक्टर, थोड़ा सा छोटा बनाए, इससे छोटा बनाना, अब इसको अभी हम लोग चार्ज देते जाएंगे, अंदर वाले को चार्ज देंगे, और अंदर वाले को चार्ज देंगे और फिर दोनों को किसी तरीके से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, अगर आपने अंदर में चार्ज दिया आपने अंदर वाले को चार्ज दिया तो क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ द इनर विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द आउटर, अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले से ज्यादा होगा, और अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले से ज्यादा है, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये तो अभी हम आपको एग्जांपल में बता चुके हैं बेटा कि भैया दो चीजों को अगर आपने कनेक्ट किया और जिसका लेवल ज्यादा होगा वहां से पानी का फ्लो होगा, तो चार्जेस का फ्लो होगा कहां से, अंदर वाले से बाहर वाले के ऊपर,
तो आप यही काम करने वाले हैं क्या, कि अंदर वाले के ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज आप पहुंचाते जाएंगे, अंदर वाले के ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज पहुंचा दो और कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये वाला एक्शन होगा। कौन सा वाला एक्शन, के चार्जेस का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ होगा। और हायर कौन सा वाला है, ये अभी हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि इनर जो है वो हायर पोटेंशियल पर है आउटर वाले से। तो यही सिस्टम अभी हम लोग करने वाले हैं। ये सिस्टम में क्या कर रहे हैं, आप अंदर वाले को थोड़ा थोड़ा चार्ज दे रहे हैं और किसी भी कंडक्टर पे थोड़ा चार्ज रहने में कोई दिक्कत नहीं। आप कोई कंडक्टर को बहुत ज्यादा चार्ज दे दें उसके ऊपर 1 कूलम और लेकर आए तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्टली चार्ज नहीं करने वाले। क्यों, क्योंकि फॉर एवरी सब्सिक्वेंट 1 कूलम चार्ज विच इज टू बी प्लेस्ड मोर अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन। जो पहले से चार्ज रखा हुआ है वो अगले 1 कूलम के आने को और ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा। ठीक है, तो जितने 1 कूलम पहुंचते जाएंगे वो सारे मिलकर अगले 1 कूलम को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, यहां पर पहले 3 कूलम सा, अगला 1 कूलम आ रहा तो 3 कूलम ही रिपेल कर रहा, अब 4 कूलम हो गया, फिर अगला जो 1 कूलम आएगा इधर के 4 कूलम मिलकर 1 कूलम को वापस रिपेल करेंगे। तो ये डायरेक्टली अभी हम चार्ज नहीं करते, तो चार्ज करने का यही तरीका। अब क्या तरीका, ये देखो इसमें अभी हम लोग क्या कहते हैं कि ये इनर जो कंडक्टर है इसके ऊपर अभी हम लोगों ने कन्वेयर बेल्ट लगा दी। ये कन्वेयर बेल्ट लगाई, इसको अभी हम थोड़ा सा शेयर कर देना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये कन्वेयर बेल्ट कैसी रहती है, आपने अगर फ्लोर मिल्स में देखा हो, आटा चक्की पर देखा हो, एक बेल्ट लगी रहती है जो घूमती रहती है मोटर की मदद से, तो वैसे ही कुछ अभी हम लोगों ने लिया है यहां पर, इसको थोड़ा सा और नीचे बना दे रहे हैं। तो ये कन्वेयर बेल्ट जो है ये लगातार रोटेट कर रही है। यहां पर अभी हम लोगों ने ले लिया सोर्स ऑफ चार्ज नीचे। देखो अब पूरा सिस्टम अच्छे से समझना, ये सोर्स ऑफ चार्ज है। सोर्स ऑफ चार्ज क्या है इससे अभी हम मतलब नहीं, दिस इज दी सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये सोर्स ऑफ चार्ज को अब हम लोगों ने यहां पर एक मेटालिक कोम्ब, ये एक मेटालिक कोम्ब है, मेटालिक कोम्ब कंघी जिसको बोलते हैं, इसमें पॉइंटेड एंड रहेंगे। ये देखो ऐसा कुछ है, अभी हम बड़ा करके बना दें, ये ऐसा कुछ, अब इसमें पॉइंटेड एंड रहेंगे। अब यहां से आपने पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किए तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, पॉइंटेड एंड अगर मिल गए तो पॉइंटेड एंड क्या करते हैं, आसपास की एयर को आयनाइज करते हैं, या भी हमने बोला चार्जेस को लीक करते हैं। तो यहां पे जो भी आप पॉजिटिव चार्ज दोगे वो पॉजिटिव चार्ज लीक हो जाएगा। लीक हो जाएगा किसके ऊपर, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। ये पॉजिटिव चार्ज जो अभी आपने यहां पर दिया वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लीक हो जाएगा। इसको और दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे कि भाई जो इधर एयर है एंट्रैप्ड या इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से निकल जाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया बेल्ट के ऊपर, ये कन्वेयर बेल्ट लगातार घूम रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कन्वेयर बेल्ट से होती होती ऊपर पहुंच गया, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गया। लेकिन ये आया किसके ऊपर, अंदर वाले के ऊपर, एंड दिस इज द कंडक्टर विच इज टू बी चार्ज। ये वो कंडक्टर है जिसको आपको चार्ज देना, अब इसको चार्ज देना है। चार्ज कहां पहुंच गया, अंदर पहुंच गया। अब हमें ये पता है कि अगर चार्ज अंदर पहुंच गया तो अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले से ज्यादा है, तो यहां पर भी आपने क्या किया, एक और मेटालिक कोम्ब ले ली। मेटालिक कोम्ब क्या करती है, अंदर वाले और बाहर वाले के बीच में कॉन्टैक्ट बना देती है। तो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा कहां से कहां, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुंचा है वो पूरा का पूरा कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। अब प्रोसेस देखो, यहां से अभी हम चार्जेस लगातार देते जाएंगे मेटालिक कोम्ब में,
और ये मेटालिक कोम जो है पॉजिटिव चार्जेस को लीक करेगा। चार्जेस कहां पर पहुंचेंगे? कन्वेयर बेल्ट पे। कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये ऊपर पहुंचेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है? पोटेंशियल ऑफ द इनर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द आउटर। तो क्या होगा, ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये दोनों अगर कनेक्टेड हैं तो अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आप थोड़ा थोड़ा चार्ज देना, आप इसमें वर्क का कोई सिस्टम ही नहीं है कि भाई इसको अगर आप बहुत सारा चार्ज डायरेक्टली देना तो बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल फिर से अच्छे से समझो, सम अप करते हैं जैसा अभी हम लास्ट में, के दो चीजों पर बेस्ड है। डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड्स, मतलब पॉइंटेड एंड अगर किसी कंडक्टर में है तो उससे चार्जेस लीक होते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर दो कॉन्सेंट्रिक चार्ज कंडक्टर्स हैं तो अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले से ज्यादा होगा। अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले से ज्यादा होगा, अंदर वाले के ऊपर कितना भी कम चार्ज हो, पोटेंशियल अंदर वाले का बाहर वाले से ज्यादा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल के बीच में चार्जेस का फ्लो होगा। पॉजिटिव चार्जेस विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसके लिए डायग्राम अभी हमने रब नहीं किया, ठीक। तो ये तीनों चीजों का यूज हो रहा है। कैसे? ये सोर्स ऑफ चार्ज है, इसमें देखो दिस इज द कंडक्टर विच इज टू बी गिवन लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको बहुत सारा चार्ज देना है। बहुत सारा चार्ज देने के लिए अभी हमने क्या किया, अंदर एक कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर ले लिया, नीचे भी कुछ ऐसा लिया, और ये कन्वेयर बेल्ट, इसको अभी हम लोग कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। यहां पर सोर्स ऑफ चार्ज है, ये मेटालिक कोम के थ्रू, मेटालिक कोम है मतलब पॉइंटेड एंड्स होंगे, पॉइंटेड एंड्स के थ्रू चार्ज जो है लीक होकर बेल्ट पर जाएगा, और ये बेल्ट लगातार ऐसी चल रही है तो ये पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करते करते ऊपर पहुंचेगा। तो अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले से ज्यादा है, और दोनों को अभी हमने क्या कनेक्ट करके रखा है, दोनों को कनेक्ट करके रखा है किसकी मदद से, मेटालिक कोम की मदद से। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके अंदर वाले का पोटेंशियल, अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर वाले पर ट्रांसफर होता जाएगा। तो यहां से चार्ज अभी हम लोग देते जाएंगे, लगातार ये चार्ज ऊपर की तरफ ट्रेवल करता जाएगा, और चूंकि दोनों कनेक्टेड हैं इसलिए अंदर वाले का चार्ज धीरे धीरे बाहर। और ये याद रखना है, व्हेन द रिक्वायर्ड पोटेंशियल इज रीच, तो ये चार्जिंग प्रोसेस आप बंद कर सकते हैं। और हमें ये मालूम है कि पोटेंशियल आप एयर में कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये डाइइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, डाइइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एयर है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखते हुए, इस चीज का क्या ध्यान रखना है कि भाई आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल तक आप चार्ज कर दोगे, इसमें अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल तक अगर आप चार्ज कर दोगे तो आसपास की एयर आयनाइज होने लगी, है ना। तो आप इस पूरे को अगर और ज्यादा पोटेंशियल चाहिए तो दिस होल सिस्टम कैन बी प्लेस इन अ इवैक्यूएटेड सिस्टम। आप इसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं या ऐसे अरेंजमेंट में रख सकते हैं जहां पर एयर नहीं, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस नियरली कंप्लीट्स द चैप्टर कैपेसिटेंस। अब इसके डिटेल में वर्किंग और प्रिंसिपल कुछ कुछ चीजें अभी हमने बता दी हैं, डायग्राम वगैरह, डायग्राम आप अच्छा बनाना हमारा अच्छा नहीं है, है ना, सब कुछ आप कर लेना, क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हमने आपको बता दिया। दिस हैज कंप्लीटेड द थ्योरी पोर्शन ऑफ द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, है ना। फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स पार्ट। अगले दो तीन दिन न्यूमेरिकल्स चलेंगे, तो उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।